आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिकरत्री श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशयशेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 211000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117727, IFSC कोड PUNB0012100। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। ये रागी व्यक्ति उन्हें समझा रहे थे, पागल हूँ बेटा, जिस दौलत को हम जिंदगी भर सोचते रहे उसे तुम दौलत मार कर जा रहे हो। उन्होंने कहा, आपको दिखी है लेकिन मिली नहीं। मुझे मिली है, मैंने देखा कि इस दौलत से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस दौलत से अच्छा है कि उस दौलत को पाओ जो हमेशा शाश्वत रहेगी। क्योंकि दौलत क्या होती है, एक व्यक्ति के मकान में आग लग गई, ध्यान रखना हमारे ममत्व का फैलाव का नाम दौलत है, हमारे ममत्व के फैलाव का नाम अहंकार है। एक व्यक्ति का मकान जल गया था और सेठ रोने लगा कि हाय मेरा मकान जल गया। मुनीम ने कहा, नहीं कल सौदा हो गया था, मकान जल रहा है। सेठ हंसने लगा, कहने लगा, सौदा हो गया तो फिर कोई बात नहीं, जल जाने दो। तुरंत बेटे ने आके कहा कि पिताजी वो रात में कैंसिल हो गया था। पिताजी फिर रोने लगे। फिर किसी ने आकर कहा कि नहीं, वो ऐसा मकान लेने को तैयार है। सेठ जी फिर हंसने लगे, बोले अच्छा हुआ, चलो जल गया तो कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि वो पैसे दे गए थे, तो सेठ कहने लगा, फिर तो शांति है, जलने दो, मकान नहीं जल रहा, तुम्हारे अंदर का राग, यदि राग है और कुछ ठोस राग पर ठेस लगती है तो तुम्हें लगता है कुछ बहुत बड़ी हानि हो गई, जबकि सच पूछो यहाँ की दौलतें कब तक काम आती हैं। शमशान के आगे कोई दौलत नहीं जाती है, चिता के आगे कोई संबंधी नहीं जाता है, सिर्फ चेतना है जिसे विशुद्ध बना लो, जो मिला है उसे बांट दो,
जरूरतमंदों को बांट दो, रिश्तेदारों में बांट दो, और तो और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा परमात्मा को दे दो, तुम परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन तुम देने में बड़े कृपण हो, भगवान को वो दे जाते हो जो कभी सोचोगे कि ये देकर आया था। उन्होंने इतनी सुंदर आपको उनकी आराधना के प्रताप से जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, मनुष्य गति मिली है, जैन कुल मिला है, तुमने उन्हें क्या दिया है? नोट भी यदि 1000-2000 नोट हो तो तुम 10 का नोट निकालते हो, इतना बड़ा भगवान का अपमान, ताकि परमात्मा देख ले कि तुमने नोट चढ़ाया। अरे नोट में तुम्हारे परिणामों में खोटे ही नोट कब तक काम आएगा? यहाँ की दौलत दूसरे देश में काम नहीं आती है, फिर वो तो परदेश है, वहाँ यहाँ के सिक्के क्या काम आएंगे? कबीर के पास कोई सोने की थैली लेकर आया, कमाल के पास कोई सोने की थैली लेकर आया और कहने लगा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उसने कहा ये दौलत भी कोई देने की चीज़ है? लोग कहते हैं दौलत काम नहीं आती है, मैं कहती हूँ जीते जी बहुत काम आती है। धन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो। वो आया और कहने लगा मैं आपको दौलत देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देने की चीज़ है? उसने कहा मैं बहुत धनी आदमी हूँ, आप मुझे ऊपर से मत देखिए, मेरे पास बहुत दौलत है। उन्होंने कहा दौलत? अरे तू भिखारी दिखता है, दौलत ने कब तुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हूँ? तू इन सिक्कों को दौलत समझता है जो मौत के बाद तुझसे छीन ही ली जाएंगी? इतने लोगों की छीनी है, और सच पूछो हमारे पास दौलत क्या है? मुर्दों का सामान इकट्ठा है जो हमारे बुजुर्गों ने जमीनें बनाई थी, दौलत इकट्ठी की थी, वो छोड़ कर चले गए। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी से और बड़ी कोई बेवकूफ़ी हो सकती क्या? फिर हम उसी को इकट्ठा करने में लगे हैं, फिर हम उसे जोड़ रहे हैं, हम रजिस्ट्रियों पर रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं। अरे मकान के लिए एक कोठरी में तुम जिंदगी गुजार सकते थे, जितनी ऊर्जा जितनी शक्ति तुमने मकानों में लगाई, यदि काश अपने परिणामों में लगा लेते तो तुम भगवान बन जाते। लेकिन तुमने नहीं लगाई, तुम बाहर के सिक्के इकट्ठे करते रहे। हम मुर्दों के उच्छिष्ट के अलावा जिंदगी क्या है? क्योंकि जो हमारे माता पिता का रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी, उसका छोटा सा अंश हम में है, फिर भी बाप कामना करता है कि हम जो नहीं बन पाए वो मेरा बेटा बन जाए। हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति धनपति नहीं बन पाए तो कम से कम हमारा बेटा बन जाए, मेरा अंश है ना, थोड़ा सा अंश है, वो जीवंत रहे, वो नाम करेगा। अरे क्या नाम करेगा? हमारे तीर्थंकरों ने अपने नाम की परवाह नहीं की, जिसने परवाह नहीं की उसे बहुत नाम मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी और कीर्ति हमेशा से कुंवारी है। वो जिस महापुरुष को चाहती है वो महापुरुष नहीं चाहता है, वो है तीर्थंकर। तीर्थंकर कीर्ति को नहीं चाहते हैं, तीर्थंकर लक्ष्मी को नहीं चाहते हैं, लक्ष्मी उनकी दासी होकर चरणों तले बिछ जाती है। जब गर्भ में आते हैं तो 6 महीना पहले रत्नों की वृष्टि होकर सती बरस जाती है, वो कहती है मैं इनके चरणों के अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। जब जन्म होता है तो रत्न वृष्टि होती है, आप सबको पता 14 महीने तक रत्न वृष्टि होती है, और उसके बाद भी जन्म होता है तो स्वर्ग से कुबेर को आज्ञा दी जाती है, नगरी की रचना करता है, जन्म के पहले से कर देता है। और इतना ही नहीं कि रत्नों की वर्षा करता है, सच पूछो कोई गरीब नहीं रह जाता है। जमीन यदि रत्न गर्भा कही जाती है तो उसी के कारण कही जाती है, इस धरती पर इतने रत्न बरसे थे कि आज तक रत्नों की खान कही जाती है। लेकिन आप कभी विचार करके देखना कि उन्होंने रत्नों की तरफ देखा तक नहीं, पकड़ा नहीं, पकड़ बहुत खराब होती है और उन्होंने पकड़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो घर में थे तब बालक थे, तब स्वर्गों से देव कीड़ा करने आते थे, और जब वो भोजन भी उनका स्वर्ग से आता था, वस्त्राभूषण स्वर्ग से आते थे, और जब उन्होंने अपने आत्म कल्याण की भावना बनाई तो स्वर्गों से देवता आ गए, लोकांतिक देव आ गए, जो
देव गुरु कहे जाते हैं, वो उनकी अनुमोदना करने आ गए। तुम्हारी अनुमोदना करने तो तुम्हारे विवाह की अनुमोदना करने आते हैं, वो भी बड़े बेईमान होते हैं। बारात में तुम्हारे आगे नाचते हैं और मर जाओ तो तुम्हें आगे कर देते, खुद पीछे हो जाते हैं। जिन्होंने जीवन भर सत्य नहीं सुनाए वो मरने के बाद तुम्हें राम नाम सत्य सुनाते, कितने बेईमान लोग हैं। ये बेवफा हैं, यदि लभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। जिंदगी भर भुलावे में रखते हैं दोस्ती के यारी के, लेकिन एक कदम तक साथ नहीं जाते हैं। मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं कि तू आगे जा, और वो पीछे वाले भी आएंगे, उनकी लाइन लगी है, संसार इसी का नाम है। मौत का लंबा क्यों लगा हुआ है, किसी का आज नंबर आएगा, किसी का कल आएगा, लेकिन सब एक एक दिन संसार से जाएगा। और उसके बाद हम कहते हैं यारी दोस्ती है। यह संसार में कोई किसी के साथ नहीं जाता है, लेकिन जो पहचान जाता है कि जन्म किस लिए मिला था, जन्म तो नारकियों को भी मिलता है, निगोदिया जीवों को भी मिलता है, आपसे ज़्यादा जन्म मिलता है। एक सांस में 18 बार जन्म मरण कम नहीं होता है। और उसके बाद भी लोग स्वर्गों की कामना करते हैं, अरे स्वर्ग तो वो जगह है जहाँ भूल ही जाओगे, यहाँ पर कुछ सिक्के दे देते हो और सोचते हम स्वर्ग जाएंगे, कुछ मूर्तियाँ बना देते हो सोचते हमारा तो मोक्ष पक्का हो गया। अरे मोक्ष पक्का होगा मूर्तियों के माध्यम से, लेकिन कब मोक्ष पक्का होगा, जब मूर्तियाँ सम्यक दर्शन में कारण बनेंगी, उनके दर्शन करके आत्मशुद्धि बनेगी। कभी तुमने इंजीनियर बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाने का ख्याल आया होगा, परमात्मा बन जाए तुम्हारा बच्चा, ये ख्याल आया। एक जज के सामने एक केस पहुँचा और उसमें बात इतनी सी थी, केस ये था कि माँ कहती थी, माँ भी क्या कहो, पत्नी कहती थी कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, और बाप कह रहा था कि मैं बच्चे को वकील बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे केस लगे हुए हैं। और इस बात पर तकरार इतनी बड़ी कि तलाक की नौबत आ गई। जज बहुत समझदार था, जज ने कहा बच्चे को लाओ, मैं देखकर बताऊंगा कि बच्चा वकील बनेगा या डॉक्टर बनेगा। दोनों के मुंह लटक गए, उन्होंने कहा कितने दिन बाद बच्चा आएगा, बोले अभी तो कोई पता ही नहीं है, आप समझ गए। हमारी हालत भी ऐसी है, हम कुछ बनेंगे, अरे क्या बनोगे, बनने का पता भी है तुम क्या बनोगे, तुम्हें पता नहीं होगा, तुम सोचते हो तुम बच्चों को लाए हो, बच्चों को आना था, तुम मात्र एक पटरी से ज़्यादा नहीं थे। इसी प्रकार से तुम सोचते हो हमने बच्चों के लिए इतना किया, तुमने क्या किया, उनका पुण्य था, तुम निमित्त बन गए। और तीर्थंकरों जैसा पुण्य लाओ कि लक्ष्मी सती होना चाहती है। जब स्वर्गों से भोजन वस्त्र निष्क्रमण का काल आता है, जब तपस्या लेने जाते हैं मुनि होकर मुनि बनने की भावना बनाते हैं, तो धन्य है धन्य है, स्वर्गों से पुष्प वृष्टि रत्न वृष्टि होने लगती, धन्य है अनुमोदना करने के लिए। देव आते हैं, मनुष्य आते हैं, होड़ मच जाती है, ऐसे महापुरुष महाभाग्य जिन्होंने धन धन्य है जे जीव निर्भव पाए यह कारज किया, धन्य इनके भावनाओं को। और देवता कहते हम पालकी उठाएंगे क्योंकि हमने तमाम जिंदगी आने से पहले इनकी व्यवस्था की है, स्वर्ग की संपत्ति को जमीन पर बिछा दिया, स्वर्ग मैं बना दी जमीन को, हम इसकी पालकी उठाएंगे पहले। और मनुष्य कहते हैं हम पालकी उठाएंगे, और कहते हैं प्रमाण पत्र ये निकला कि वो पालकी उठाएगा जो इन जैसा संयम ले सकता है। हम सत्य की बातें कर रहे हैं, भगवान के जयकारे लगाकर जीवन का इतिश्री मना रहे हैं। हम मात्र एक लोटा जल ढाल देते हैं भगवान पर, सोचते हैं कल्याण हो जाएगा, अपने आप को उनके गुणों में ढालना बंद कर देते हैं, उन जैसे जागरण हमने बंद कर दिया, और कहते हैं हम परमात्मा हो जाएंगे। कैसी मूर्खता, आज पढ़े लिखे लोग भी ऐसी छोटी सोच रखते हैं तो और लोग क्या रखेंगे सोच। यदि दूसरे लोग भी अपने देव को कर्ता मानते और हम भी मानते भगवान तूने ऐसा कर दिया, भगवान तूने ऐसा कर दिया, कभी कहा करो तुमने इतनी सुंदर देह दी थी, इतनी सुंदर जीवन दिया था, मैंने परमात्मा शर्मिंदा हूँ कि मैं क्या करके जा रहा हूँ, क्या हिसाब लगाओगे
कि भर परमात्मा तूने मुझे इतनी सुंदर जिंदगी दी थी, मैंने सिर्फ एक नारियल चढ़ाया था तुझे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुकमणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली, परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 02220111777IFSC PUN B00212100। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आवना क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूँ कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अफसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ तीन चार गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी, अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।